हाई एंड फिल्मी ज्ञान एंड विथ मी राजश्री जी मैम वॉट सेपर अंजन सर अलीजेंट काइंड ऑफ पर्सन इन द एक्टिंग फील्ड इतने सालों से हैं इतनी बेहतरीन फिल्में की है सम फेवरेट्स ऑफ फिल्म ऑफ हिम देखिए मैं उनसे जब उनके बारे में बात करूँगी तो उनकी फिल्मों के बारे में तो नहीं कहूँगी क्योंकि मेरे साथ जो उनका नाता ऑफकोर्स फिल्मों में भी हमने साथ काम किया हुआ है अभी इनफैक्ट आज ही हमारी एक फिल्म रिलीज़ हुई है चिड़ियाखाना जिसमें हम दोनों काम कर रहे हैं लेकिन मैंने उनके साथ प्लेस बहुत किए हैं जब मैं छोटी सी थी और मैंने उनके साथ काफ़ी प्लेस में काम किया हुआ है सो फॉर मी ही इज़ माई फेवरेट सो या मैम यू ऑल्सो हैव बीन वर्किंग इन द एक्टिंग इंडस्ट्री तो आज के दौर में जो एक्टर्स के पास अपॉर्चुनिटीज़ है जो इतना इन्वायरमेंट चेंज हुआ है उसके बारे में बताइए क्या करना चाहेंगे आपका सवाल मैं समझी नहीं आई मीन व्हेन इट कम्स टू OTT या अदर मीडियम्स आए हैं डिजिटल मीडियम्स हैं बहुत सारे मीडियम्स एक्सप्लोर करने के लिए तो ऐसा है कि अब बहुत रास्ते हैं आप अच्छा काम हर कहीं कर सकते हैं यू हैव सो मेनी प्लेसेस टू शो योर टैलेंट तो ये तो बाहर है ये तो बहुत अच्छी बात है एंड टॉकिंग ऑफ फीमेल एक्ट्रेस उनको भी ज़्यादा लिवरेज मिल रहा है ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ठीक है तो व्हाट यू टू सॉरी सॉरी फीमेल एक्ट्रेस आर बीइंग गिवन मोर अपॉर्चुनिटीज वेल जहाँ तक टेलीविजन की बात है फीमेल एक्टर्स ऑलवेज हैड ग्रेट अपॉर्चुनिटी क्योंकि कहानियाँ उनसे ज़्यादा सेंट्रिक होती थी लेकिन हाँ कहानियाँ अलग अलग तरह की बोली जा रही हैं और जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो अलग अलग तरह के हैं वो सिर्फ जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की कि लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं औरतें ऐसी होती ऐसा नहीं है तो हाँ इन टर्म्स ऑफ वैरायटी ऑफ रोल्स देयर इज अ लॉट मोर वैरायटी थैंक्स मैम दैट्स ऑल